राकेश यादव सर, वो बहुत राकेश यादव सर, मैं देखो उनको गुस्से नहीं आता है, आराम से एकदम, देखो बच्चों ऐसे करें, बहुत सीधा आदमी, हाँ बहुत सीधा, उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता है, हाँ। अरे राकेश यादव सर को, उनको गुस्सा आता है? नहीं आता। चलिए ध्यान से, आप ही लोग के लिए बच्चा बहुत कमजोर था उस समय पढ़ाई में, लेकिन वो बच्चा इतना उत्सुक था पढ़ने के लिए कि उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, खड़ा होकर मुझसे पूछ लेता। फिर थोड़ी देर बाद अगला क्वेश्चन हम समझाने जाते, फिर खड़ा होकर पूछ लेता था ऑफलाइन क्लास में। फिर थोड़ी देर, फिर हर क्वेश्चन में ये रहता था कि लगातार वो क्वेश्चन पूछता रहता था। अच्छा होता ये था कि उसको समझाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके डाउट रह जाते थे, और कई बार हमें ये भी देखना होता है कि ऐसा भी ना हो कि हम सारे बच्चों का समय खराब कर दें उस बच्चे के चक्कर में। तो वो बच्चा जैसे हम क्लास से बाहर निकले तो वो अपनी कॉपी लेके खड़ा हो जाता है, सर ये सवाल फिर से समझा दो। क्लास में जाएं फिर वही चीज़। तो एक बार बड़ा मैं इरिटेट हुआ और मुझे बड़ा बुरा लगा, यार ये तो पागल कर देगा मुझे, क्योंकि हमें और भी तो बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने उसको एक दिन गुस्से में ऐसे कह दिया कि अब तेरा सिलेक्शन नहीं होना, तेरा एंटीना उड़ा हुआ ऊपर का, तू रहने दे। विश्वास मानना, मैं घर जाके उस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा और ये कल मिलेगा नहीं। लेकिन वो बच्चा कल फिर मिला अगली क्लास में, फिर उसका बिहेवियर यही रहा और लगातार मैं इरिटेट होता रहा। धीरे 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 ऐसी स्टेज आई कि वो चीज़ को चीज़ें समझ में आने लगी। मैं थोड़ा इरिटेट होता भी था क्योंकि जब कोई चीज़ लगातार इतनी बार पूछता है तो इरिटेशन स्वाभाविक है मानो। उसको लगातार ये चीज़ें रही, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना चीज़ को और कंटिन्यू रहा पढ़ाई में। एक दिन मुझे जब पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया और वो एक्साइज इंस्पेक्टर है इस समय, शायद आंध्र प्रदेश में है इस समय, उस दिन वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे गले लग के रोने लग गया कि सर बस आप मेरे लिए भगवान हो और ये सब। और मैं उस दिन घर जाके रोया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, और मुझे आज भी उस बात को याद करके आंसू आते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। अगर वो बच्चा उस समय हमसे दूर चला जाता और जो मैंने डांटा उसको अगर वो दूर हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता उस बच्चे का। लेकिन उस दिन मैंने सीखा कि सीख हर बच्चा सकता है, बस सीखने की हिम्मत होनी चाहिए।